फाइनली जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो है कक्षा 10वीं यानी मैट्रिक का जो स्क्रूटनी रिजल्ट को जो है आपका जारी कर दिया गया। यह रिजल्ट आप लोग जो result.biharboardonline.com के माध्यम से सभी छात्र देख पाएंगे। इस वीडियो में आपको हम लाइव समझाने वाला हूं कैसे सभी छात्र जो है मैट्रिक का जो स्क्रूटनी का जो रिजल्ट जो है कैसे कंपार्टमेंटल का रिजल्ट पहले ही जारी कर दिया गया। अभी अभी जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी BSEB के द्वारा जो है मैट्रिक का भी स्क्रूटनी रिजल्ट को जारी कर दिया गया। यहां पर देखिए पूरी जानकारी यहां पर आप लोग देख लीजिए। BSEB यानी मैट्रिक का स्क्रूटनी रिजल्ट 2023 और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो है आज मैट्रिक स्क्रूटनी का रिजल्ट आपका जारी कर दिया गया। यह रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट जो है result.biharboardonline.com या biharbsb.net के माध्यम से भी जो है सभी छात्र जो है देख पाएंगे। कैसे देखना है स्क्रूटनी का रिजल्ट, मैट्रिक जो स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है कैसे देखना है पूरी जानकारी बताऊंगा। सभी स्टूडेंट बने रहिएगा जरूर। इसके लिए चले आना आपको गूगल में, ध्यान से सभी स्टूडेंट बने रहिए। आखिर मैट्रिक स्क्रूटनी का रिजल्ट आपको कैसे देखना है लाइव समझ लीजिए। आपको चले आना है गूगल में, ध्यान से सभी स्टूडेंट बने रहो। और गूगल में आने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, गूगल में आना और सर्च करना बिहार BSEB। जितने स्टूडेंट है एकदम लाइव समझिए, आपको आना है गूगल में और सर्च करना है बिहार BSEB। जैसे यहाँ पर हमने टाइप किया इसी प्रकार आपको टाइप करना है। जैसे बिहार BSEB आप लोग सर्च करोगे सबसे ऊपर यहाँ पर वेबसाइट दीजिएगा biharboard.biharBSEB, इस वाले थंबनेल में क्लिक करना। अब जैसे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। आपको थोड़ा सा नीचे की ओर चले आना। जब आप लोग नीचे की ओर आओगे तो आपके सामने यहाँ पर दिख जाएगा मैट्रिक स्क्रूटनी रिजल्ट 2023 जारी हुआ स्क्रूटनी रिजल्ट। इस वाले थंबनेल में आपको सिंपली क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ इस वाले थंबनेल में आप लोग क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा और यहाँ पर देखिए पूरी जानकारी पूर्वक से बताई गई है। तो आपको पूरी जानकारी जो है एकदम बढ़िया से पढ़ लेना है और उसके बाद स्क्रूटनी का रिजल्ट देखने के लिए आपको नीचे की ओर चले आना है। अगर आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो आप लोग क्लिक करके जरूर जुड़ जाएगा। और मैट्रिक का स्क्रूटनी का रिजल्ट देखने के लिए आपके सामने देखिए डाउनलोड तंत्र स्क्रूटनी रिजल्ट 2023 है। आपके सामने एक नहीं दो नहीं तीन तीन लिंक दिया गया, तो आपको सिंपली क्या करना है लिंक वन में आपको क्लिक करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, तो आपके पास जो है मैट्रिक स्क्रूटनी का रिजल्ट देखने के लिए एक नहीं दो नहीं तीन तीन यहां पर देखिए लिंक दिया गया है। तो आपको सिंपली क्या करना है लिंक वन में आपको क्लिक करना है। अब जैसे लिंक वन में आप लोग क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहां पर आपको दिख जाएगा मैट्रिक स्क्रूटनी रिजल्ट 2023 डाउनलोड। यहां पर आपको जो है एप्लीकेशन आईडी और रजिस्ट्री, एप्लीकेशन आईडी जब आप लोग स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किए होंगे उस समय आपको एप्लीकेशन आईडी जो रिसीविंग मिला हुआ वहां से वो डाल दीजिएगा। अगर आपके पास एप्लीकेशन आईडी नहीं है तो यहां पर आप लोग फॉरगेट पर क्लिक करके एप्लीकेशन आईडी फॉरगेट कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद यहां पर वो भरना है, उसके बाद यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करोगे आपके सामने रिजल्ट खुल के आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले एप्लीकेशन आईडी, जो आपको एप्लीकेशन आईडी मिला होगा एकदम बढ़िया से लिखना है। अगर देखिए कैपिटल बीच में इस तरह आपको कैपिटल एस भी जो है या बी भी मिलता है तो जो भी आपका एप्लीकेशन आईडी बढ़िया से लिख लीजिएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, इस प्रकार आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। जो आपका एडमिट कार्ड है ना उसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा या जो रिसीविंग आपको मिला होगा स्कूटनी जब अप्लाई किए होंगे वो वाला यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर आपको फिलअप करना है। अब देखो सारी जानकारी भरने के बाद देखिए लॉगिन का जो ऑप्शन यहां पर दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे लॉग इन पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने देखिए पूरा का पूरा रिजल्ट खुल के आ जाएगा। हम आपको जूम करके दिखा देता हूं। यहां पर आप लोग देख लीजिए जो हमने यहां पर एप्लीकेशन आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, यहां पर आप लोग देख लीजिए कैंडिडेट नेम देख लीजिए, है ना, बिफोर स्क्रूटनी और आफ्टर स्क्रूटनी में देखिए चेंज हुआ कि नहीं। यहां पर देखिए अपडेट हो चुका है आज के, है ना, आज अपडेट हो चुका है। यहां पर देखिए बिफोर स्क्रूटनी देखिए मैथ में 40 नंबर था और स्क्रूटनी के बाद देखिए नंबर बढ़ चुका है। साइंस में भी देखिए नंबर बढ़ चुका है, सोशल साइंस बढ़िया नंबर, किसी को एक एक सब्जेक्ट में 10 नंबर भी बढ़ रहा है, 15 नंबर भी बढ़ रहा है, 20-20 नंबर तक जो है बढ़ना शुरू हो चुका है। और यहां पर आप लोग देखिए जिनका भी अगर अपडेट हो गया होगा उनका यहां पर देखिए चेंज देखने के लिए मिल जाएगा। और उसके बाद यहां पर आप लोग प्रिंट करना चाहते हो तो यहां पर क्लिक करके आप लोग प्रिंट कर सकते हो। आई होप आप सभी छात्र को इसी प्रकार जो है सभी छात्र समझ चुके हैं कैसे स्क्रूटनी का रिजल्ट देखना है। तो जितने बच्चे गूगल में आना आपको सर्च करना है बिहार BSEB, सभी छात्र जो है आसानी से मात्र दो सेकंड में आप लोग जो है मैट्रिक का स्क्रूटनी का रिजल्ट देख सकते हो। एक बिहार BSEB हो गया और एक और वेबसाइट बता देता हूं जिसके माध्यम से भी देख सकते हो एजुकेशन के लिए। अगर वेबसाइट अगर देखने में दिक्कत होता है दूसरा भी नाम नोट कर लीजिए एजुकेशन गैलेक्सी के माध्यम से भी देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो सभी बच्चे ईमानदारी से लाइक जरूर कर लेना। न्यू स्टूडेंट अगर हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, शेयर जरूर करना। अगर आपका डाउनलोड होने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप लोग एप्लीकेशन आईडी और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाना। यहां पर आने के बाद ज्वाइन हो जाएगा, हम आपका डाउनलोड करके भेज देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।